स्टैंडिंग नहीं रही। ये तो मेरा सबसे बड़ा ब्लॉक की जो भी इश्यूज होंगे, जो भी जिस भी पंचायत से होगा, कोशिश करेंगे कि इस यहाँ पे जो इश्यू और वो स्ट्रेच कोई 300 मीटर का स्ट्रेच है, वो भी बड़ा था। हाँ। लेकिन हमारी एक मेन डिमांड थी, वो नाला बनने से 10% राहत मिली है। पहले से जो 7 लाख का करीब है, तो वो आली को तो मैं वो शायद महीना डेढ़ महीना लग जाएगा, लेकिन उसे एक ही हॉल जो है वो बन पाएगा। तो 150 के करीब स्कूल की जो स्ट्रेंथ है, तो 150 बच्चा मैम एक कमरे में बैठने से रहा, स्कूल के लिए एक भी पक्का कमरा नहीं है। ठेकेदार लोग भाई अपना घर ने हाँ पूजा तो पिछले लोग सारी मधुर जान खिल रही थे थोड़े सारी सड़कें बजरी अज साल दो ही और एक साल हो आवाज चुकद एक साल का एक साल से सिर्फ एक रोड रोलर वहां पे पहुंचा। उस ठेकेदार ने सिर्फ एक रोड रोलर पहुंचाया है कि मैं काम करने वाला हूं। हम उसका अगर टेंडर कर भी दें, वो अलॉट भी हो जाए, तो फिर क्या फायदा अल्टीमेटली, क्योंकि वो काम नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जो मुझे लगा था कि पिछले साल भी इसको लेकर के काफी द्वेष था। मैं चाहूंगी कि इस साल न रहे, हम स्टार्टिंग से ही इसको एक पॉजिटिव नोट पर लेकर के चले और प्लान को जरा अपना ठीक कर लें। वीक भी और आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लास्ट ईयर की भी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी इनकी बची हुई है और दैट इज द रीज़न कि हैंडपम्पों का काम ठीक से नहीं हो पाया है। तो ये जो आप प्रॉब्लम मुझे बता रहे हैं, आई एग्री विद, क्योंकि पिछले हफ्ते भर में भी समस्या को लेकर के मेरे पास काफ़ी सारे लोग आए हैं। एक बहुत ही अच्छा ब्लॉक दिवस हमारा यहाँ पर हुआ है, जिसमें सभी लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इसमें हमारे BDO साहब ने इसकी प्रोसीडिंग बना ली है और जो सभी अफसरान हमारे यहाँ मौजूद थे, मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि जो भी समस्याएं फिलहाल इस हफ्ते में हल की जा सकती हैं उनको इस हफ्ते में हल करें। जो कोई हमारे लॉन्ग टर्म वाले इश्यूज हैं जिनको अभी हम अगले हफ्ता 10 दिन में नहीं हल कर सकते, उनके लिए कृपया एक प्रॉपर टाइमलाइन बना के अपने रिस्पेक्टिव PRI, BDC या DDC के साथ वो शेयर कर लें।